स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल द पंचौरा न्यूज में। मैं हूं शिल्पी और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कन्नौज में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और इस लिहाज से जिला प्रशासन भी चिंतित हो रहा है। पिछले कई दिनों से एक के बाद एक रिकॉर्ड केस मिलने से मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आज जो है कोरोना के 18 केस पॉजिटिव आए हैं, इसमें 7 कन्नौज प्रॉपर के हैं और 4 छिबरामऊ के हैं और तिरवा के हैं 5 और 2 गुगरा पर के हैं। टोटल केस इस समय हमारे जनपद में हो गए हैं 380 केस टोटल हो गए हैं और इसमें 270 ठीक होकर जा चुके हैं, 101 एक्टिव केस हैं। हाँ, HDFC बैंक के 4 कर्मचारी हैं जो पॉजिटिव आए हैं। हाँ, गुगरापुर ब्लॉक का एक वो ग्राम विकास अधिकारी है, वो भी पॉजिटिव आया है। ये सभी मरीज बाहर से आए हुए लोगों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि मरीज मिलने वाले स्थानों को सैनिटाइज कराने का काम शुरू कर दिया गया है और सभी लोगों की स्कैनिंग कराई जा रही है। तब पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से संवाददाता मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। कन्नौज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कानपुर के अरौल में सराफा व्यापारी के यहां बीते जून करीब 90 लाख रुपए के जेवर की लूट हुई थी। कन्नौज पुलिस के मुताबिक जांच में करिया गैंग का नाम सामने आया था। 14 जून को अरौल कस्बा थाना बिलौर में एक डकैती पड़ी थी, तो उससे संबंधित 3 अभियुक्तों को जो कि कन्नौज के निवासी थे, पहले हम लोगों ने अरेस्ट किया था। उनके पास से करीब 53 लाख की जो स्टोलन प्रॉपर्टी थी, लूट की संपत्ति, ज्वेलरी, सोने और चांदी की, वो बरामद किया था, असलहे बरामद किए। उसके पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी और उस घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों के नाम भी पता चले थे, तो उस पर हमारी टीम काम कर रही थी। और लापरवाह सूचना मिलने के बाद कल 2 अभियुक्त आमिर और राशिद, ये शेखाना कन्नौज के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से 297 ग्राम स्वर्ण आभूषण और 19 किलो 747 ग्राम चांदी के आभूषण, एक टाटा सफारी कार, 2 तमंचा, 315 बोर और 2 कारतूस, ये बरामद हुआ है। मुखबिर की सूचना पर कन्नौज पुलिस ने गिरोह के 2 और सदस्यों को सदर कोतवाली क्षेत्र के GT रोड से हिरासत में ले लिया है। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से संवाददाता मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। हरदोई के विकास भवन में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता हरदोई की मुख्य विकास अधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने की। बैठक में स्वयं सहायता समूहों की तरफ से नए समूह गठन पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त इन समूहों का बैंक में खाता खोलना और उन्हें स्टार्टअप के लिए प्रेरित करने के कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वितरित की जाने वाली स्कूल ड्रेस निर्माण की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ब्लॉक मिशन मैनेजरों को निर्देशित किया गया कि वर्तमान समय में स्कूल में अध्यापकगण जा रहे हैं, इसलिए एक रजिस्टर बनाकर बच्चों की नाप नोट कर लें तथा गुणवत्ता युक्त स्कूल ड्रेस तैयार करना सुनिश्चित करें। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से राम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जिला सेवा योजन कार्यालय की तरफ से ये सूचित किया गया है कि जिला सेवा योजन कार्यालय द्वारा कन्नौज में 22 जुलाई को एक ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 6 कंपनियां एक्यूप्रेशर हेल्थ केयर सिस्टम, ग्लोबल भारत हेल्थ, कल्याणी सोलर पावर, स्कॉर्पिक्स इंडिया, न्यू केयर हेल्थ सॉल्यूशन भाग ले रही हैं, जिनके द्वारा लगभग 713 पदों के लिए पुरुष और महिला अभ्यर्थियों से केवल ऑनलाइन साक्षात्कार लिया जाएगा। अलग अलग कंपनियों में अभ्यर्थियों की आयु न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 35 साल की है तथा योग्यता हाई स्कूल से स्नातक आदि होना चाहिए। इन कंपनियों की तरफ से विभिन्न पदों के लिए ये भर्ती की जाएगी। इसमें किसी भी दशा में कार्यालय में उपस्थित नहीं होना है। रोजगार मेले में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी सेवा योजन की वेबसाइट पर जाकर www.sevayojan.up.nic.in के होम पेज पर उपलब्ध जॉब सीकर या सेवा मित्र एप्लीकेशन पर अपना पंजीकरण कराएं। रजिस्ट्रेशन के उपरांत अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर रोजगार मेले में भाग लेने के लिए आवेदन किया जा सकता है। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से इजराइल खान की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप हमसे किस तरह की खबरें चाहते हैं। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब चलते हैं फटाफट खबरों की ओर। कन्नौज में एक युवक ने ससुराल से लौटते वक्त काली नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। सूत्रों के मुताबिक युवक का ससुराली जनों से किसी बात पर विवाद हुआ था और उसके बाद युवक ने मोबाइल पर बात करते हुए रोते रोते छलांग लगा दी। कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र के कुसुमखोर तहसीलपुर पुल पर युवक ने आत्महत्या के लिए कदम उठाया। हालांकि घटना की सूचना मिलने पर मौका वारदात पर पहुंची हरदोई और कन्नौज की पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही, लेकिन कुछ देर बाद कन्नौज पुलिस ने डूबे युवक की खोज शुरू की। आपको बता दें कि मृत युवक का 2 महीने पहले ही विवाह हुआ था और मृतक युवक हरदोई के शब्दीपुर दहेलिया का निवासी था। द पंजारा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। कन्नौज के सौरिक में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गुड़गांव से पश्चिम बंगाल जा रही डबल डेकर बस की दुर्घटना हो गई। बस चालक ने बताया कि आगे चल रहे ट्रक को ओवरटेक करते समय बस अनियंत्रित होकर ट्रक में घुस गई, जिससे पश्चिम बंगाल के बाबू अली पुत्र जहीरुद्दीन एवं रुखसाना पुत्र हसन अली गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे यूपीडा सुरक्षा अधिकारी मनोहर सिंह ने घायलों को मेडिकल कॉलेज तिरवा भर्ती कराया। द पंचौरा न्यूज के लिए सौरिक से संवाददाता उज्जवल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.